एपिसोड 1 और 2 में नाच गाने के अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं होता। असली स्टोरी शुरू होती है एपिसोड 3 से, जहां एक बड़ा टॉयलेट जी मैन को कुचल के मार देता है। और आज हम स्किबिडी टॉयलेट की अब तक की पूरी कहानी जानेंगे। एपिसोड 4 में ये टॉयलेट रेस्टोरेंट जैसी पब्लिक प्लेसेस में घुस घुस कर नॉर्मल इंसानों को अपनी तरह कन्वर्ट करने लगते हैं। देखते ही देखते टॉयलेट की आबादी इतनी बढ़ जाती है कि एपिसोड 5 में एक जंग शुरू हो जाती है और अब ये टॉयलेट उड़ भी सकते हैं। एपिसोड 6 में नाच गाना हट। एपिसोड 7 तक टॉयलेट्स की आबादी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, लेकिन अब हम जानते हैं कि इनको मारने के लिए बस फ्लश करना है। साथ ही इस एपिसोड में पहली बार जी मैन स्किबिडी टॉयलेट की एंट्री होती है और अगले ही एपिसोड 8 में पहली बार कैमरामैन की आर्मी को ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है, एंड ऑब्वियसली टॉयलेट्स की आर्मी के खिलाफ। एपिसोड 9 में फर्स्ट स्किबिडी टॉयलेट की गोल्डन ग्रेव को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर स्प्रे पेंट करने पर लिटरली पुलिस स्किबिडी टॉयलेट आ जाती है। इतना ही नहीं, एपिसोड 10 में एक प्रीस्ट टॉयलेट को भी दिखाया जाता है, जिनका अपना ही चर्च है। खैर, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि कैमरामैन आके इस ढोंगी बाबा को फ्लश कर देते हैं। अगले एपिसोड में होती है तगड़ी लड़ाई कैमरामैन, आर्मी और बड़े बड़े टॉयलेट्स के बीच, जो कि इतनी बढ़ जाती है कि एपिसोड 12 में जी मैन को अपनी न्यू एबिलिटी लेजर आइस का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। फिर वापस से वही लड़ाई झगड़ा। हाँ, बस इस बार एक ट्रायपॉड जैसा कुछ तो नया लाया है कैमरा। नेवर माइंड। एपिसोड 14 में कैमरामैन आर्मी बहुत सारे बड़े बड़े टॉयलेट से लड़ने जारी होती है, जब अचानक से उन टॉयलेट्स के पीछे से बिना दोस्त या दुश्मन देखे एक रॉकेट टॉयलेट सबको उड़ा देता है। एपिसोड 15 में कैमरामैन पूरे टॉयलेट्स के झुंड को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, बट खुद एक टॉयलेट की नजर में आ जाते हैं, एंड वेल टॉयलेट ना सहता। अगले एपिसोड में एक कैमरा टॉयलेट की मदद से टॉयलेट्स के बेस में स्पाई करने की कोशिश की जाती है, जो कि टॉयलेट्स को पसंद नहीं आता। एपिसोड 17 में जी मैन टॉयलेट अपना भाषण दे ही रहा होता है कि उसके ऊपर कैमरामैन लोग लेजर अटैक कर देते हैं। ओनली टू आर सरप्राइज, जी मैन टॉयलेट को खरोच भी नहीं आती और फाइट बैक करके कैमरामैन को पकड़ भी लेता है। एपिसोड 18 में टॉयलेट्स कैमरामैन पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है टाइटन कैमरामैन की। अगले एपिसोड में कैमरामैन आराम से चिल मार रहे हैं और टाइटन कैमरामैन 3 सर वाले टॉयलेट को अच्छे से पीट पाट के रोस्ट कर रहा है। एपिसोड 20 में होता है जी मैन टॉयलेट वर्सेस टाइटन कैमरामैन, जहां रॉकेट टॉयलेट आके टाइटन कैमरामैन की शील्ड तोड़ के उसे डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अब वो जी मैन टॉयलेट से नहीं लड़ सकता और उसे मजबूरन भागना पड़ेगा। अगले एपिसोड 21 में एक टॉयलेट से उनके प्लान के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो टॉयलेट रेस्क्यू सिग्नल यूज करने लगता है और उसको फ्लश करना पड़ता है। स्टिल जी मैन टॉयलेट हाइड आउट को ढूंढ लेता है और सबको मार देता है, जिसके बाद अगले एपिसोड में हमें पता चलता है कि जी मैन टॉयलेट को फ्लश नहीं किया जा सकता। एपिसोड 23 में हम देखते हैं टाइटन कैमरामैन को रिपेयर होते हुए और उनके हेडक्वार्टर में कुछ टॉयलेट्स हमला कर देते हैं, लेकिन टाइटन कैमरामैन अपना एक न्यू अटैक एक्सप्लोडिंग प्लाज्मा बुलेट इस्तेमाल करके सभी टॉयलेट्स को उनकी औकात दिखा देता है। मीनवाइल बाहर की दुनिया में टॉयलेट्स का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था, जिसको हैंडल करने के लिए एंट्री होती है स्पीकर मैन की, जिसके बाद अगले एपिसोड 25 में वो टॉयलेट्स को ल्योर करके अपनी एबिलिटीज को शो ऑफ करते हैं और बाद में भंगड़ा पाते हैं। फिर एपिसोड 26 में वही लड़ाई झगड़ा, लेकिन इस बार हमें देखने को मिलता है टाइटन स्पीकर मैन फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन। एपिसोड 27 में टॉयलेट बेस पर हीरोज रेड मारते हैं और एपिसोड 28 में टॉयलेट्स की सीक्रेट मीटिंग में टाइटन स्पीकर मैन सबको मार के और एक टॉयलेट को थप्पड़ बजा के उनकी औकात दिखा देता है। लेकिन 29 में एक ग्लिच टॉयलेट इंट्रोड्यूस होता है, जो कि काफी डैमेज करके अपनी औकात दिखा देता है। फिर एपिसोड 30 में डॉक्टर टॉयलेट एक पैरासाइट टॉयलेट बनाता है, जिससे वो हीरोज को अपना गुलाम बना सके, जिसकी वजह से एपिसोड 31 में अपने ही दोस्त अपनों के ऊपर हमला करने लगते हैं। अगले एपिसोड में टाइटन स्पीकर मैन मिलिट्री टॉयलेट से लड़ के उसको हरा देता है, लेकिन तभी एक पैरासाइट टॉयलेट टाइटन स्पीकर मैन को कंट्रोल कर लेता है और टाइटन स्पीकर मैन अपने ही दोस्तों पर हमला करने लगता है। एपिसोड 33 में जी मैन टॉयलेट यूट्यूब के हेडक्वार्टर को
उड़ा देता है और एपिसोड 34 में एक इन्फेक्टेड कैमरामैन को ल्योर करके उसके ऊपर से पैरासाइट को हटा दिया जाता है, जिसके बाद एपिसोड 35 में एक साइंटिस्ट कैमरामैन एंटी पैरासाइट गन बनाने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी उनके बेस पर अटैक हो जाता है जिसमें साइंटिस्ट मारा जाता है, बट एटलीस्ट अब हमारे पास एंटी पैरासाइट गन मौजूद है। एपिसोड 36 में सभी इन्फेक्टेड दोस्तों को नॉर्मल कर दिया जाता है और एपिसोड 37 में एक बड़ी कैनन बनाई जाती है जो कि परफेक्ट काम करती है। फिर एपिसोड 38 में उसी कैनन से इन्फेक्टेड टाइटन स्पीकर मैन को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीमैन टॉयलेट बीच में आ जाता है साला, और अब जीमैन टॉयलेट उड़ भी सकता है और साथ ही दो एक्स्ट्रा लेजर फायर कर सकता है। खैर, एपिसोड 39 में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है टीवी मैन से फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसके बाद एपिसोड 40 में एक बड़ा सा टीवी मैन टॉयलेट्स के झुंड को उनकी फिर से औकात दिखा देता है। एपिसोड 41 में टॉयलेट्स की एक बड़ी आर्मी का सामना होता है टाइटन टीवी मैन से। टाइटन टीवी मैन पहली बार आता है और अपनी एबिलिटी से सभी टॉयलेट्स को सुसाइडल फ्लश करवा देता है। एपिसोड 42 में हमें पता चलता है कि टीवी मैन पैरासाइट टॉयलेट्स के असर को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन एपिसोड 43 में टॉयलेट कतई श्याणे हो जाते हैं और सनग्लासेस पहन के आ जाते हैं, जिसकी वजह से टीवी मैन की एबिलिटी उनके ऊपर काम ही नहीं करती। लेकिन एपिसोड 44 में टाइटन टीवी मैन भी एक्स्ट्रा स्पीकर लगा के खुद को अपग्रेड कर देता है और टॉयलेट्स को फिर से उनकी औकात दिखा देता है। एपिसोड 45 में होती है टाइटन टीवी मैन और इन्फेक्टेड टाइटन स्पीकर मैन की तगड़ी लड़ाई चालू, जहां टाइटन टीवी मैन टाइटन स्पीकर मैन को कपड़े की तरह धोता है, लेकिन इन दी एंड टाइटन स्पीकर मैन बच के भाग निकलता है। एपिसोड 46 में टाइटन टीवी मैन लगे हाथ एक वैक्यूम टॉयलेट को खत्म करता है, जिसके बाद होती है एपिसोड 47 में असली लड़ाई। टाइटन टीवी मैन जीमैन टॉयलेट पर भारी पड़ रहा होता है, तभी पीछे से आके एक टॉयलेट टाइटन टीवी मैन के वेपन्स को डैमेज कर देता है, जिसको टाइटन टीवी मैन ऑलमोस्ट संभाल ही लेता है, लेकिन फिर जीमैन टॉयलेट फिर से हमला करता है और टाइटन टीवी मैन को गुस्सा आ जाता है। अब नॉर्मली यहाँ पर जीमैन टॉयलेट की मौत होनी पक्की थी, लेकिन इन्फेक्टेड टाइटन स्पीकर मैन टाइटन टीवी मैन की स्क्रीन में चाकू मार देता है और मजबूरन टाइटन टीवी मैन को रेस्क्यू के लिए वापस जाना पड़ता है। एपिसोड 48 में हालत काफी खराब हो जाती है, बट फाइनली एपिसोड 49 में हीरोज की टीम को ज्वाइन करती है टीवी वुमेन, जो कि अपनी रोशनी से टॉयलेट्स को जला सकती है और अपने सर से किसी भी टॉयलेट को पैरासाइट की तरह कंट्रोल कर सकती है। यार कितना गलत साउंड कर रही है। खैर, जो भी है, टीवी मैन की तरह ये भी टेलीपोर्ट हो सकती है। एपिसोड 50 में हो जाती है लड़ाई सीरियस। टॉयलेट्स का झुंड हीरोज के बेस पर अटैक कर देता है और हमें लगता है सिर्फ ये मिनी टाइटन ही है जो अब कुछ कर सकता है, लेकिन तभी होता है टाइटन कैमरामैन का कमबैक, पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हथियारों के साथ, हथौड़ा, मैग्नेट और छाती से निकलने वाली तगड़ी आग। टाइटन कैमरामैन सिचुएशन को हैंडल करता है और निकल पड़ता है बागी टॉयलेट्स को मारने। और हाँ, एपिसोड 51 में टाइटन कैमरामैन हमारे मिनी टाइटन को सही सलामत एक बिल्डिंग के ऊपर उतार देता है। और एपिसोड 52 में हमारे मिनी टाइटन की होती है हीरोइक एंट्री और पहली बार हमें देखने को मिलती है कैमरा वुमेन, एंड लिटरली ये कैमरा वुमेन घायल करने के लिए ही बनी है भाई। एपिसोड 53 में आती है एक नई आफत, टेलीपोर्ट होने वाला UFO टॉयलेट जो कि अपने टारगेट को इवेपोरेट कर सकता है, जिसके बाद एपिसोड 54 थोड़ा फिलर वाला है, जहां पर एक ग्लिच टॉयलेट सबको परेशान करके रखता है, लेकिन टीवी वुमेन आती है और उस टॉयलेट को उसकी औकात दिखा देती है। ओके यार, ये औकात वाला जोक फिर से नहीं मारूंगा, काफी हो गया। जिसके बाद कैमरामैन हैप्पी होके टीवी वुमेन को झप्पी पाने जाता है, लेकिन टीवी वुमेन टेलीपोर्ट हो जाती है। कोई बात नहीं कैमरामैन। एपिसोड 55 में हीरोज का एक ग्रुप लड़ने जा रहा होता है, लेकिन एक एसिड वाला टॉयलेट उस पूरे ग्रुप को मार देता है। टाइटन कैमरामैन उस टॉयलेट को अच्छे से तोड़ता है, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। और एपिसोड 56 में टाइटन स्पीकर मैन हीरोज के दूसरे ग्रुप पर हमला करके और भी ज्यादा नुकसान कर देता है। एपिसोड 57 के 2-3 पार्ट है जहां टाइटन कैमरामैन फुल बीस्ट मोड में जा रखा है। कभी टाइटन स्पीकर मैन को पटकता है, कभी जीमैन टॉयलेट को धोता है, तो कभी एक तलवार वाले टॉयलेट को बोलता है तेरे बस की नहीं है बेटा, जाके बाप को बुला। इस लड़ाई में हमारा मिनी टाइटन टाइटन स्पीकर मैन के पैरासाइट को हटाकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइटन स्पीकर मैन उसकी निचली बॉडी को तोड़कर उसको फेंक देता है। आखिरकार टीवी वुमेन और टाइटन कैमरामैन मिलकर टाइटन स्पीकर मैन को सही कर लेते हैं और मिनी टाइटन को भी बचा लिया जाता है। एपिसोड 58 में टाइटन स्पीकर मैन कतई आग बबूला हुआ होता है और जो भी टॉयलेट नजर
नजर आ जाए समझो वो टॉयलेट तो गया काम से। एपिसोड 59 में एक बड़ा टॉयलेट आता है जो कि तगड़ी चौड़ में होता है, लेकिन टाइटन स्पीकर मैन और टाइटन कैमरा मैन ये लास्ट टाइम जोक मार रहा, ठीक है लास्ट पक्का, उसको भी औकात दिखा देते हैं और फिर करते हैं एक आइकॉनिक डैब। अगले एपिसोड में जी मैन टॉयलेट की टीम एक प्लान बनाते हुए नजर आती है जिसके बारे में हीरोज को जासूस की मदद से पता चल जाता है। फिर एपिसोड 61 में पेंगुइन जी जैसा टॉयलेट नजर आता है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्पीकर वुमेन की एंट्री। नाचते हुए आती है और सेकेंड्स के अंदर इस टॉयलेट को नानी याद दिला देती है, वो भी स्ट्रेंजर थिंग्स के थीम सॉन्ग के साथ। मेरे को तो फेवरेट है जी स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत ज्यादा। एपिसोड 62 में डॉक्टर टॉयलेट का साइज काफी बड़ा हो जाता है और उसके पास स्पीकर्स और शेडो टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी भी आ जाती है और अब सिचुएशन कुछ अच्छी नजर नहीं आती। लेकिन इसके बाद एपिसोड 63 में होता है हमारे मिनी टाइटन का कमबैक, वो भी ग्लिची उड़न खटोले वाली टेक्नोलॉजी के साथ। फिर एपिसोड 64 में वही खून खराबा और एपिसोड 65 में होता है प्लॉट ट्विस्ट जहां जी मैन टॉयलेट को उसकी आर्मी अकेले मरने को छोड़ देती है। हमारे टाइटन हीरोज जी मैन को फाइनली मार देते हैं ओनली टू रियलाइज कि वो तो बस एक ट्रैप था और उनके ऊपर सुसाइड बॉम्बर टॉयलेट्स की बारिश हो जाती है। एपिसोड 66 में होती है रेगुलर लेकिन इंटेंस बैटल जिसके बाद एपिसोड 67 के पार्ट 1 में एसिड हेड टॉयलेट और टाइटन कैमरामैन की लड़ाई, ऑब्वियसली हमारे हीरो जीते। लेकिन पार्ट 2 में आता है डॉक्टर टॉयलेट जो कि टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन से जम के लड़ता है। इवन इस लड़ाई में हमारे मिनी टाइटन को भी शायद काफी चोट आती है। इन दी एंड डॉक्टर टॉयलेट टाइटन कैमरामैन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अनफॉर्चुनेटली पार्ट 3 में वो टाइटन कैमरामैन पर कंट्रोल करके अपनी ही गर्दन कटवाने की कोशिश करता है और टाइटन स्पीकर मैन पर हमला करवाता है। इस मोमेंट में ऐसा लगता है मानो हमारे हीरोज की हार हो चुकी है, लेकिन यहाँ कमबैक होता है टाइटन टीवी मैन का, पहले से ज्यादा ताकतवर और कतई गुस्से में। सेकेंड्स के अंदर वो डॉक्टर टॉयलेट का खोपड़ा फोड़ देता है और अपनी यूनिबीम से उसका पूरा चेहरा जला देता है, जिसके बाद पार्ट 4 में टाइटन्स निकल पड़ते हैं बड़े टॉयलेट्स को मारने और कैमरा लोग चले जाते हैं एक हाइडआउट में। और उसमें होता यह है कि टाइटन टीवी मैन अपनी दो एक्स्ट्रा स्क्रीन का फ्लेक्स कर रहा है और अब वो अपनी तीनों स्क्रीन्स को एज अ ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है, तो या बस फ्लेक्सिंग के लिए बना रखा ये एपिसोड। इस एपिसोड का उद्घाटन ही एक जंप स्केयर से होता है और सामने होता है एक स्किबिडी टॉयलेट जिसकी लेफ्ट आंख में एक वेल्व लगा रहता है। ये वेल्व टॉयलेट एक्चुअली वेल्व के लिए एक रेफरेंस है जो कि स्टोरी में ज्यादा कुछ एड ऑन नहीं करता, और अगर एड ऑन करता भी है तो वो स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसके बाद हमारा मिनी टाइटन अपने पंचेस और मॉडिफाइड स्पाइकी प्लंजर से इस वेल्व टॉयलेट को बुरी तरह मारता है और वहीं नीचे जमीन पर हमें एक ह्यूमन स्केलेटन पड़ा मिलता है, जिसके बाद राइट साइड में डार्क स्पीकर मैन इजिली दो तीन टॉयलेट्स को ठिकाने लगाता है, इवन एक पैरासाइट टॉयलेट स्पीकर मैन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है। लेकिन समय रहते स्पीकर मैन उस टॉयलेट को निकाल के उसे उसकी औकात दिखा देता है और हमें नीचे पड़ा एक और कंकाल नजर आता है जिसने एक टी शर्ट पहनी होती है। और इस जगह ऐसे और भी बहुत सारे कंकाल है जिसका मतलब इस जगह पर पहले इंसानों का कब्जा था और टॉयलेट्स ने इन सभी को मारा है। जिसके बाद हमें पीछे की तरफ एक और नजारा देखने को मिलता है, यहाँ पर बुलिंग चल रही है, ये भाई साहब आराम से चिल मार रहे हैं, इन जनाब को लगता है ये मेन कैरेक्टर है और यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है। जिसके बाद हमारी ये टीम आगे बढ़ने लगती है और हर कमरे में अजीब अजीब टॉयलेट्स नजर आते हैं जिन्हें देखकर लगता है शायद इंसानों ने इन सबको एक्सपेरिमेंट करके बनाया होगा, लेकिन जब ये ज्यादा ताकतवर हो गए तो इन्होंने उन्हीं इंसानों को जान से मार दिया जिनके कंकाल हमें जमीन पर पड़े भी नजर आते हैं। इन कमरों में हम एक जलता हुआ टॉयलेट, बड़ी खोपड़ी वाला टॉयलेट, बर्जर्क स्केलेटन मीम वाला टॉयलेट देख सकते हैं, जिसके बाद एक कैमरामैन अगला दरवाजा खोल देता है जिसकी दूसरी तरफ एक बड़ा सा हॉल होता है जहां घुसते ही लेफ्ट साइड कोई कैमरामैन का सर फेंकता है और ऊपर होता है एक मॉडिफाइड म्यूटेंट टॉयलेट जो नीचे कूदते ही एक कैमरामैन का सर आसानी से तोड़ देता है और मिनी टाइटन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से ये कैमरामैन इसको शूट कर देता है जिससे टॉयलेट पर ज्यादा कुछ असर तो नहीं होता लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी कम जरूर हो जाती है। जिसके बाद मिनी टाइटन और डार्क स्पीकर मैन इसे मिलकर मार देते हैं और तभी इस फैसिलिटी में इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सभी कमरों के दरवाजे खुल जाते हैं, साथ ही हमें और मॉडिफाइड म्यूटेंट टॉयलेट भी नजर आते हैं। हीरो
उसकी टीम मेन गेट बंद करते हुए सेफ्टी की तरफ भागी रही होती है कि हमें नजर आता है माइकल जैक्सन टॉयलेट। अब हम इस टॉयलेट को एमजे टॉयलेट बोले या ही टॉयलेट बोले वो आप मुझे कमेंट में बताना। फिलहाल यहाँ इन दोनों स्पीकर मैन को लगता है कि ये दोनों बच गए और अपना डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी ये टॉयलेट गेट को तोड़ के आ जाता है और हमारी टीम जल्दी से एग्जिट की तरफ भागती है, जहाँ डार्क स्पीकर मैन कैमरा मैन से गेट बंद करने का रिमोट छीन लेता है और मिनी टाइटन उसे इंतजार करने का इशारा भी देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो कैमरा मैन समय रहते बाहर नहीं आ पाते और डार्क स्पीकर मैन को गेट बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे मिनी टाइटन को गुस्सा आ जाता है और वो डार्क स्पीकर मैन को दो खींच के लगाता है, लेकिन तीसरे मुक्के तक वो खुद को संभाल लेता है, क्योंकि अगर डार्क स्पीकर मैन वो बटन ना दबाता तो उन दोनों कैमरा मैन के साथ साथ बाकी पूरी स्क्वाड भी मारी जाती और स्पीकर मैन ऐसा करके खुद भी दुखी है, इसलिए वो चुपचाप दो मुक्के खाने के बाद भी शांति से आगे बढ़ जाता है। खैर, हमारा मिनी टाइटन तो है ही गुस्से में, टॉयलेट्स को बीच की उंगली दिखा के आगे बढ़ जाता है। ये वाला गेट काफी मजबूत है, काश पहले वाला भी होता। खैर, हमारी टीम आगे बढ़ती है जिसमें अब सिर्फ 5 हीरोज बचे हैं, मिनी टाइटन, डार्क स्पीकर मैन और 3 कैमरा मैन। आगे कॉरिडोर में एक रास्ता राइट को जा रहा है और एक सीधा। सीधे वाले रास्ते के लास्ट में एक येलोइश एरिया नजर आ रहा है, कहीं ये बैक रूम्स में तो नहीं जाने वाले। काश इस किबडी टॉयलेट और बैक रूम्स का यूनिवर्स कनेक्ट हो जाए, मजा आ जाएगा। अगले एपिसोड में जायंट टीवी मैन की लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाती है और हम टाइटन कैमरा मैन को देखते हैं जो कि एक टॉयलेट की चटनी बना देता है। और फाइनली रीइंफोर्समेंट स्क्वाड आ ही गई। आते ही टाइटन स्पीकर मैन को न्यू हैंड कैनन्स मिली जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है, और टाइटन कैमरा मैन को मिला नया जेट पैक और साथ में पहले से ज्यादा बड़ी और पावरफुल शोल्डर कैनन्स, जिसके बाद टाइटन टीवी मैन टाइटन कैमरा मैन के डैमेज्ड कोर को थोड़ा बहुत सही कर देता है। टाइटन स्पीकर मैन बोलता है मेरे को भी चाहिए, बट ये दोनों बोले ना बाबू ना। फिर टाइटन टीवी मैन हो जाता है टेलीपोर्ट और ये दोनों उड़कर निकल पड़ते हैं, लेकिन कहाँ? वेल, प्रोबेबली अपने बेस की तरफ, ताकि ये दोनों खुद को रिपेयर कर सके, क्योंकि अगली लड़ाई में टूटा हुआ हाथ नहीं चलेगा। फिर हमें नजर आती है बाकी की रीइंफोर्समेंट टीम, जिनके पास तगड़े तगड़े वेपन्स आ चुके हैं और एक कैमरा मैन आकर POV कैमरा मैन को जेट पैक भी पकड़ाता है, जिसके साथ हेडफोन, कैमरा लेंस और एक शॉटगन बिल्कुल फ्री। एंड बाय द वे, इसके कपड़े भी तो देखो, दिन भर दिन इस सीरीज में डिटेल्स बढ़ती जा रही है। ये टॉयलेट पेपर किस काम आने वाले हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बैकग्राउंड में ये मेडिक कैमरामैन अपने मरे हुए साथियों को देखकर काफी उदास नजर आ रहा है। फिलहाल हम एपिसोड 70 को लपेटना शुरू करते हैं। शुरुआत होती है दो कैमरामैन को दिखाकर, जिनमें से एक कैमरामैन टॉयलेट पेपर जैसे दिखने वाले ग्रेनेड को शटर के नीचे से दूसरी तरफ मौजूद स्किबिडी टॉयलेट्स को उड़ाने के लिए फेंक देता है। एक बढ़िया सा धमाका होता है और फिर कैमरा घूमता है तीसरे कैमरामैन की तरफ, जहां ये भाई साहब कतई फ्लेम थ्रोवर से आग मूत रहे हैं। बगल में नो स्मोकिंग लिखा है, लेकिन भाई भी लाइक अरे नहीं नहीं, स्मोकिंग ना करते जी, हम तो सिर्फ आग मूतते हैं, ये देखो थोड़ी देर पहले इसके ऊपर भी मूती थी। खैर, कैमरा एक और बार घूमता है और इस बार हम देखते हैं दो और कैमरामैन्स को, जिनमें से एक के कपड़े फट चुके हैं, लेकिन फिर भी फाइट बैक तो करना ही है, और दूसरे वाले का एक हाथ टूट चुका है, दौड़ते हुए हमारे तरफ ही आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली पीछे वाले कैमरामैन के मुंह पर एक रॉकेट फटता है और उसकी बॉडी दूर जाकर गिरती है, जिसके लिटरली एक या दो सेकंड्स बाद ही दूसरे कैमरामैन पर भी पीछे से आते हुए टॉयलेट्स रॉकेट फोड़ देते हैं, जिसे देखकर हमारे POV जायंट कैमरामैन को आ जाता है गुस्सा और अपनी लेजर गन निकालकर सभी टॉयलेट्स को फ्राई करने लगता है। इतना ही नहीं, इसके बाद ये निकल पड़ता है छोटी सी सैर करने को, जिसमें लगे हाथ 3-4 टॉयलेट्स तो ये ऐसे ही साफ कर देता है, जिसके बाद इसे नजर आते हैं बहुत सारे आर्मर्ड टॉयलेट्स जो कि एक टनल से बाहर आ रहे होते हैं। थोड़ी सी और हाथापाई करने के बाद ये सीधा उन टॉयलेट्स पर हमला करने निकल पड़ता है, जहां ये अपनी लेजर का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर देता है, लेकिन इस टॉयलेट का आर्मर नहीं टूटता। अपनी सड़ी सी बत्ती सी लेकर ये बाहर हमला करने को निकलता ही है, लेकिन तभी लेफ्ट साइड से टाइटन कैमरामैन उड़ता हुआ आता है और सीधा डैम के अंदर घुस जाता है। बीच का पूरा डैम तोड़ के ये वापस आता है और हम देखते हैं कि इसका राइट हाथ अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन भाई को फर्क नहीं पड़ता। भाई तो ट्रिपल बीम अटैक करता है और फिर देखता है कि अच्छा, पीछे भी है, ये ले बेटा।
खाया, तू भी प्रसाद खा। भाई लिटरली अपनी कैनन्स को बीम और बुलेट्स दोनों तरह इस्तेमाल कर सकता है। फिर एक और टॉयलेट आता है, लेकिन ये वाला टीबी टाइटन की तलवार का शिकार था। देखो तो ऐसे खड़ा है जैसे सबसे ज्यादा ताकतवर यही होगा। वेल ये है सबसे ज्यादा ताकतवर, नो डाउट, नो आर्ग्यूमेंट। एनीवेज फिर आता है टाइटन स्पीकर मैन एक स्किबड़ी बोपड़ी को रगड़ते हुए, जिसके बाद टाइटन टीवी मैन इसे रिवर्स में कहता है और फिर इसको एनर्जी देने लगता है, जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके टाइटन स्पीकर मैन इतना ज्यादा ओवर चार्ज हो जाता है कि इसका शरीर लिटरली कांपने लगता है, और जैसे ही दूर से टॉयलेट्स को आते हुए देखता है वैसे ही फुल बंदूकबाजी चालू। देखते ही देखते टॉयलेट्स की आधी टुकड़ी तो ऐसे ही ढेर हो जाती है, और लगे हाथ तबाही के बीच टाइटन कैमरा मैन अपने लिए एक नया हाथ भी ले लेता है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। और फिर हम देखते हैं कि टाइटन स्पीकर मैन को चारों तरफ से घेर लिया है, यानी ये है हेलीकॉप्टर टाइम। सारे टॉयलेट्स को फोड़ने के बाद ये फुल स्वैग में आकर अपनी तशरीफ जमा लेता है, और जब टाइटन टीवी मैन खुद अंगूठा दिखाकर 10 में से 10 नंबर दे रहा है तो और क्या चाहिए, ढाकी टिकी आओ। जिसके बाद हमें डीजे टॉयलेट दिखता है, जो कि हमें लिटरली लगभग 60 एपिसोड्स पहले दिखा था। फाइनली अब ये वापिस आ गया, लेकिन सिर्फ 3-4 सेकंड्स के लिए, क्योंकि एस्ट्रो टॉयलेट पीछे से आकर इसके टुकड़े कर देता है। बिना कोई देरी करे टाइटन कैमरामैन इसके ऊपर फायर करता है, लेकिन ये बुलेट को हवा में ही पकड़कर उसे वापस फेंक देता है। इवन टीवी टाइटन की बीम को भी ये इजीली डॉज कर लेता है। टीवी टाइटन को गुस्सा आ जाता है और रिवर्स में कहता है, जिसके रिप्लाई में एस्ट्रो टॉयलेट कहता है, यानी ये टॉयलेट तो सीधा मुंह पर धमकी दे रहा है। टाइटन टीवी मैन तलवार टेलीपोर्ट करके इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर से डॉज करके तलवार को ही तोड़ देता है और स्पिनिंग मोमेंटम दे के वापिस फेंक कर छू मंतर हो जाता है। जब कैमरा घूमता है तब हम देखते हैं कि टाइटन टीवी मैन बाल बाल बचा। अगर इसके रिफ्लेक्स अच्छे ना होते तो ये तलवार इसके हाथ में नहीं बल्कि सर में होती। मेरा क्यूटी पटोटी बहुत ही गुस्से में है, लेकिन तभी कैमरा मेरी डार्लिंग्स की तरफ घूम जाता है, जहां मुझे साफ दिख रहा है कि डार्लिंग स्पीकर वुमेन और डार्लिंग कैमरा वुमेन दोनों को अच्छे खासे अपग्रेड मिले हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी डार्लिंग टीवी वुमेन के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसके अपग्रेड्स किधर है, दिख नहीं रहे मुझे, ऐसा थोड़े चलेगा यार। एनीवेज इसके बाद जाइंट कैमरामैन टनल के अंदर घुस जाता है और तोड़नताड़ी करने के लिए, जिसको स्पेक्टेट कर रही होती है अपनी सर्वाइविंग स्क्वाड, जो कि एक एलिवेटर से ऊपर जा रही होती है। लेकिन तभी लाइट चली जाती है, कैमरामैन लोग अपनी इमरजेंसी लाइट खोलते हैं और अंधेरे में हमें नजर आती है एक कैमरामैन की आत्मा। शिट भूत, जस्ट किडिंग, ये कोई आत्मा नहीं है, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। खैर लिफ्ट आ जाती है ऊपर, दरवाजे पर होती है पीटा पार्टी, दरवाजा फटता है, दिखता है कैमरामैन, लेकिन होता है डिकॉय, नीचे आके फटता है, फिर नीचे आता है टॉयलेट, इसे करते हैं स्टन, शुरू करता है ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट, थक गया भाई। जिसके बाद ये कैमरामैन टॉयलेट को लेकर नीचे गिर के खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। फिर होता है एक्सप्लोजन और लिफ्ट नीचे गिरने लगती है, सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं। लास्ट में बचता है मिनी टाइटन, जो कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होता है। डार्क स्पीकर मैन अपने दोस्त की हेल्प करने को हाथ बढ़ाता है, लेकिन मिनी टाइटन, हट, कम ऑन मैन, अब तो माफ कर दे, इस बेचारे ने जो भी करा था सबके भले के लिए करा था। खैर इसके बाद ये सब अंधेरे कॉरिडोर में टॉयलेट से बचते हुए नाइट विजन ऑन करके जाते हैं, लेकिन गलत टाइम पर लाइट आ जाती है और हीरोज को भागना पड़ जाता है। भागते भागते ये सब एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं, जहां एक टॉयलेट छुपके बैठा था, बट इनमें से किसी को पता नहीं चलता। फिर हम बाकी कमरे को देखते हैं, जहां अलायंस और टॉयलेट्स दोनों के ही टेक गैजेट्स रखे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पोस्टर, क्योंकि इसमें सीक्रेट एजेंट एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करते हुए दिखाया गया है, और पीछे जो साइंटिस्ट्स हैं ये सब बाद में टॉयलेट्स बन गए थे। यानी सीक्रेट एजेंट का कनेक्शन अलायंस और टॉयलेट्स दोनों के साथ है, जिसका मतलब ये दोनों में से किसी एक टीम की तरफदारी नहीं करता, बल्कि ये अपने खुद के फायदे के लिए काम करता है। जिसके बाद एक कैमरामैन कुछ किताबों को पॉइंट आउट करता है, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद ये टीवी रे से रिलेटेड है। तभी पीछे से माउथलेस टॉयलेट अटैक करना शुरू कर देता है और अपनी
स्क्रीन एक्टिवेट कर देता है, जिसके इफेक्ट को अगर हम मिरर करेंगे तो वो होगा एंड योर सेल्फ। और ये कैमरामैन लोग ऐसा करने भी वाले होते हैं। मिनी टाइटन ऑलमोस्ट अपना सर तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी डार्क स्पीकर मैन आकर उसका मुंह फेर के उसे बचा लेता है। जब तक ये लेंस पहन के फिर से खड़ा होता है, तब तक एक कैमरामैन ऑलरेडी मर चुका होता है और ये टॉयलेट डार्क स्पीकर मैन से लड़ रहा होता है। मिनी टाइटन आकर उसकी मदद करता है और ये दोनों मिलके इस टॉयलेट को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद मिनी टाइटन दरवाजों का रिमोट कंट्रोल उठाता है और पीछे डार्क स्पीकर मैन एक भाला ले लेता है, जिसके बाद मिनी टाइटन भी एक हेडफोन और जेट पैक लेकर बाहर निकल पड़ता है। एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए कैमरा विजन में ग्लिच होता है, जिसका मतलब सीक्रेट एजेंट आसपास है। फिर उस कमरे से एक टॉयलेट बाहर आता है, लेकिन वो हमारे हीरोज को देख ही नहीं पाता क्योंकि ये दोनों ही इनविजिबल हो चुके थे। और वो कैसे? वेल, पीछे मुड़ने पर एक कैमरामैन दिखता है जो अचानक से छुप जाता है। इसके पास ऐसा गैजेट है जो किसी को भी इनविजिबल कर सकता है, और जो लिफ्ट में हमें कैमरामैन की आत्मा लगी थी वो कोई आत्मा नहीं, असली कैमरामैन थे जिन्हें इसने इनविजिबल करा था। फिर ये दोनों आगे कमरे में जाते हैं और वहाँ होता है बुड्ढा टॉयलेट, जो कि सीक्रेट एजेंट के साथ वीडियो कॉल पे था। फिर बाहर से एक टॉयलेट मिनी टाइटन पर अटैक करता है, लेकिन ये इजीली डॉज करके दरवाजा बंद कर देता है। सर्किट को हैक करने वाले रिमोट को देखकर बुड्ढे का रिएक्शन वॉज लाइक, जिसके बाद ये लेजर फायर करने की कोशिश करता है, बट वो भी हैक हो जाती है। बाहर जाने की कोशिश, ले बुड्ढे दरवाजा हैक, टेलीपोर्ट होगा, ले बेटे मशीन हैक, अब आजा भिड़ ले। जिसके बाद इनकी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन एक दो हिट्स पड़ने के बाद ये बुड्ढा लिटरली डार्क स्पीकर मैन को दो हिस्सों में तोड़ के फेंक देता है। मिनी टाइटन को आता है गुस्सा और ये फिर से हमला करता है, लेकिन अभी भी डार्क स्पीकर मैन ने हार नहीं मानी थी। वो अपने अपर बॉडी से बुड्ढे के ऊपर हमला करके मिनी टाइटन की पूरी मदद करता है, बट इन दी एंड ये दोनों पटके जाते हैं। सबसे बुरा, ये बुड्ढा डार्क स्पीकर मैन पर लेजर मार के खुद को सही करके भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है जायंट टीवी मैन की और सारे टेलीपोर्टेशन क्लाउड को एब्जॉर्ब करके बुड्ढे को औकात दिखा देता है, जिसके बाद बुड्ढे पे एक आखिरी ऑप्शन बचता है, नीचे जाकर अपने रोबोट को लाना। जायंट टीवी मैन लोग पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बुड्ढे का रोबोट बहुत पावरफुल अटैक करके दरवाजा ही तोड़ देता है। तभी पीछे से मेरी डार्लिंग्स की एंट्री होती है और वो इस रोबोट को पीछे से तोड़ना शुरू करती है। जायंट कैमरामैन इसका ध्यान बटाता है और पीछे हमें ये छेद नजर आता है, यानी मेरी डार्लिंग्स अंदर घुस चुकी है, इस रोबोट में घुस चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ये जायंट कैमरामैन को डैमेज कर देता है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स बाद इसकी ऐसी शक्ल बनती है जैसे किसी ने इसकी तशरीफ में मिर्ची घुसेड़ दी हो। इधर उधर पटका पाटकी होने के बाद ये बुड्ढा अपने रोबोट से बाहर निकलता है, लेकिन अधमरी हालत में खुद को बचाने की डेस्परेट कोशिश में। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डार्लिंग्स को इस तरह पटकने की? खैर कोई नहीं, इसको लगता है ये बच गया, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये बाहर निकलने की कोशिश करता है जहां हमारे टाइटंस ऑलरेडी इसका इंतजार कर रहे थे, और इसके हाथ लगते ही टाइटन एक एक करके अपनी भड़ास निकालते हैं। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, टाइटन स्पीकर मैन ने पूरी भड़ास निकाली, मार मार के गोबर बना दिया गोबर। औकात दिखाना छोड़ो, इसको तो औकात देखने लायक ही नहीं छोड़ा। जिसके बाद जायंट टीवी मैन एक कैमरा मैन के साथ टेलीपोर्ट होता है, लगता है सिर्फ यही दो बचे। एंड देन फाइनली सबसे ज्यादा इमोशनल पार्ट, मिनी टाइटन अपने बेस्ट फ्रेंड को आखिरी बार डैप करता है और डार्क स्पीकर मैन हमेशा के लिए चला जाता है। हर कोई उदास होता है, लेकिन फिर पीछे हमें नजर आता है एक कैमरा मैन जो कि वही है जिसके पास रिमोट था, और ये उस रूम में मरा नहीं था, बस मरने की एक्टिंग कर रहा था, और इसी ने इन्हें इनविजिबल भी करा था। जिसके बाद हमें दो इनविजिबल कैमरामैन भी नजर आते हैं, उनकी ग्रीन लाइट फ्लैश होती है और मिनी टाइटन एक रिकॉर्डिंग को अपने दिमाग में देखने लगता है जिसमें होता है सीक्रेट एजेंट, और वो बताता है कि एस्ट्रो टॉयलेट जैसी और बुरी आफतें आने वाली है। लेकिन बाकी हीरोज को ऐसा बताने के लिए मिनी टाइटन जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि उसने सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ ही जान लिया है। जिसके बाद वीडियो खत्म हो जाती है और मिनी टाइटन की हालत बिगड़ने लगती है। कैमरा वुमेन पास आने की कोशिश करती है, लेकिन टीवी वुमेन उसे रोक लेती है क्योंकि मिनी टाइटन की बॉडी जल रही है और आसपास रहना सेफ नहीं है। जिसके बाद आखिरी बार मिनी टाइटन टाइटन कैमरामैन को थम्स अप करता है और हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाता है। फिलहाल हम आज की वीडियो शुरू करेंगे एपिसोड 71 से।
जिसके शुरुआत में हम एक टैबलेट में मिनी टाइटन के उस समय का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं जिस समय मिनी टाइटन गंजे बुड्ढे के केबिन में घुसता है, यानी जब मिनी टाइटन वहां अंदर गंजे से लड़ रहा था उस समय ये तीनों टाइटन यहां लड़ाई कर रहे थे। वेल, टैबलेट में सिग्नल लॉस्ट हो जाता है बिकॉज अंदर सीक्रेट एजेंट था, और फिर हम यहाँ हो रही लड़ाई पर ध्यान देते हैं जहाँ टाइटन्स के ऊपर मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं जिनको टाइटन्स तो इजीली डिफ्लेक्ट कर देते हैं, बट एक मिसाइल हमारे कैमरामैन पे गिर जाती है और ये नजारा एक और कैमरामैन एक टैबलेट पे देख रहा था जो कि एक ऐसी लोकेशन पर था जहाँ पर थोड़ी देर पहले ही लड़ाई हुई होगी। अलायंस के सभी मेंबर्स यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और एक दूसरे की मलम पट्टी कर रहे हैं, जिसके बाद हम एक कैमरामैन को देखते हैं जो कि जमीन के नीचे से आने वाली आवाजें सुन रहा था, और तभी जमीन वाला दरवाजा खुलने लगता है और उसमें से निकलता है एक हेलीकॉप्टर टॉयलेट जो कि एक कंटेनर को लेकर उड़ जाता है, और फिर वहां से निकलता है जी मैन जो कि बाहर निकलते ही अपनी लेजर से हमला करना शुरू कर देता है। टॉयलेट्स का पूरा झुंड आता है और अलायंस के मेंबर्स को मार देता है। जी मैन आखिरी बचे कैमरा को लेजर मारता है जो कि एक टूटी हुई कार के नीचे दब जाता है, लेकिन मरने से पहले वो एक और चीज रिकॉर्ड करता है। जी मैन के चले जाने के बाद यहाँ एस्ट्रो टॉयलेट आता है जिसका मतलब ये दोनों अब साथ काम नहीं करते, और तभी एस्ट्रो टॉयलेट भाग जाता है प्रोबेबली जी मैन से पंगे लेने, जिसके बाद एपिसोड 72 की स्टार्टिंग में मिनी टाइटन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है जिसमें मिनी टाइटन टाइटन कैमरा मैन को देखते देखते हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाता है, और ये सब होते हुए एक दूसरा कैमरा मैन अपने टैबलेट पर देख रहा था, एंड ऑब्वियसली मिनी टाइटन की मौत को लेकर इस कैमरामैन को काफी गुस्सा आ रखा है, और इस गुस्से को ये कैमरामैन यहाँ टॉयलेट्स के ऊपर निकाल रहा है लेजर मार के और जबड़ा तोड़ के। एक के बाद एक टॉयलेट्स इस कैमरामैन के ऊपर हमला करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक एक्सोस्केलेटन रोबोटिक आर्मर में है तो ये आसानी से सभी टॉयलेट्स को उनकी औकात दिखा देता है, लेकिन फिर आता है एक हैवी आर्मर्ड टॉयलेट जो कि पूरी शील्ड वगैरह पहन के आया था, और इसके ऊपर कैमरामैन की लेजर का भी कोई असर नहीं हो रहा था, इवन ये तो कैमरामैन के आर्मर का राइट हाथ भी काट देता है, जिसके बाद ये कैमरामैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इस टॉयलेट पर कोई एनर्जी ब्लास्ट मारता है, और जब कैमरामैन देखता है कि ये किसने मारा तो वहाँ होता है एक अपग्रेडेड कैमरा स्पाइडर जो कि आते ही गोलियों की बौछार करके इस टॉयलेट के पूरे आर्मर को तहस नहस कर देता है। ये टॉयलेट भागने की कोशिश तो करता है लेकिन काफी देर हो गई, अब तक कैमरा स्पाइडर काफी डैमेज कर चुका था, जिसके बाद एक और टॉयलेट आता है जो कि कैमरा स्पाइडर के ऊपर सीधा 5-6 मिसाइल्स फेंक देता है। ये मिसाइल्स कैमरा स्पाइडर को लगती है और काला धुआं छा जाता है, हमें लगता है स्पाइडर तो गया, बट गैस वट, ये वाला स्पाइडर पहले वाले स्पाइडर्स की तरह कमजोर नहीं है, ये बिना किसी खरोच के धुएं से बाहर निकलता है और एक बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के टॉयलेट के ऊपर फेंक देता है, और जैसे ही वो एनर्जी बॉल उस टॉयलेट के मुंह पे फटती है उस टॉयलेट के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद कैमरामैन स्पाइडर को देखकर थम्स अप करता है और आर्मर्ड टॉयलेट की तरफ बढ़ता है, उसकी दांतरी उठाता है, लेकिन इससे पहले कि कैमरामैन इस टॉयलेट को मार पाता जी मैन की एंट्री हो जाती है जो कि आते ही एक तगड़ी लेजर मार देता है। वेल, मेरे हिसाब से इस लेजर की वजह से वो आर्मर्ड टॉयलेट भी मर चुका होगा। एनीवेज, जिसके बाद स्पाइडर उड़ते हुए जाता है जी मैन से पंगा लेने के लिए और जी मैन के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जी मैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था इसीलिए कैमरा स्पाइडर बड़ी वाली एनर्जी बॉल से हमला करता है, लेकिन जी मैन उसे भी शील्ड लगा के ब्लॉक कर देता है, और फिर जी मैन सिर्फ अपनी लेफ्ट वाली लेजर्स को एक्टिवेट करके कैमरा स्पाइडर के ऊपर हमला करके उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, और मुझे लगता है कि जी मैन का सिर्फ लेफ्ट लेजर्स इस्तेमाल करने का एक रीजन हो सकता है, यानी हो सकता है कि जी मैन इस मोमेंट पर ऐसा कहना चाहता हो कि तेरे लिए तो मेरी आधी ताकत ही काफी है, या फिर शायद से
तुझे हराना तो मेरे बाएं हाथ लेजर्स का खेल है। खैर इन दोनों में से जो भी कारण रहा हो, एक बात 100% क्लियर है कि जी मैन यहाँ पर अपनी पावर्स को शो ऑफ करना चाह रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैमरामैन का आर्मर मेल फंक्शन होने लगता है। कैमरामैन जल्दी जल्दी उस आर्मर से बाहर निकलता है और तभी वो आर्मर फट जाता है। बट कोई नहीं, एटलीस्ट कैमरामैन तो बच गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉयलेट्स का बाकी झुंड भी कैच ऑन कर चुका है और साथ में आ चुका है एस्ट्रो टॉयलेट, जो कि एक छोटे टॉयलेट का कचुम्बड़ बना के जी मैन पे फेंक देता है और कहता है, बहुत हो गया तेरा बार बार दुम दबाकर भागना, अब तू नहीं बचने वाला, तेरे जैसा कायर हमारा लीडर हो ही नहीं सकता। और इतना सुनते ही जी मैन भी आ जाता है लड़ने के मूड में और अपनी सारी लेजर्स को चार्ज करके ये एस्ट्रो टॉयलेट पर मारता है। लेकिन एस्ट्रो टॉयलेट बड़ी आसानी से इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस जी मैन के ऊपर ही फेंक देता है। खैर जी मैन के पास भी शील्ड होती है तो वो भी आसानी से बच जाता है। इसीलिए एस्ट्रो सोचता है क्यों ना पहले इसकी शील्ड को ही कमजोर किया जाए और फिर अपने हाथों से हुक्स निकाल कर ये जी मैन की शील्ड की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। जी मैन एस्ट्रो की चाल समझ जाता है और खुद को पीछे खींच लेता है। जिसके बाद जी मैन बैटल मोड में आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे पर लेजर से हमला करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे की लेजर को धकेल रहे होते हैं कि तभी एस्ट्रो के ऊपर कुछ छोटे मोटे टॉयलेट्स हमला करने लगते हैं। एस्ट्रो लेजर्स को ब्लॉक करके इन छोटे मोटे टॉयलेट्स को निपटाता है कि तभी जी मैन पीछे से लेजर मार के एस्ट्रो टॉयलेट को काफी डैमेज कर देता है। एस्ट्रो फिर से ऊपर उठता है और कहता है, बहुत हो गया खेल, और इतना कहते ही सीधा जी मैन के मुंह पे घुसंड मार देता है, फिर इसकी लेजर तोड़ता है और चेहरे से मास्क भी तोड़ देता है। जिसके बाद ये जी मैन का खोपड़ा पकड़ के उसके मुंह पे मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी जी मैन बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते एस्ट्रो के ऊपर लेजर मारने लगता है। एस्ट्रो भी इधर उधर उड़ते हुए जैसे तैसे जी मैन को डैमेज करता है, लेकिन जी मैन सर्वाइव करता जाता है। और थोड़ी देर एस्ट्रो की एबिलिटीज को ऑब्जर्व करने के बाद और पिटाई खाने के बाद जी मैन एक शातिर चाल चलता है। जी मैन दो एनर्जी बॉल्स बनाता है जिनमें वायरस होता है और एस्ट्रो की तरफ फेंक देता है। एस्ट्रो को लगता है कि ये रेगुलर अटैक हैं और वो इन्हें कैप्चर कर लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो एनर्जी बॉल्स फट जाती हैं और एस्ट्रो के हाथों में वायरस आ जाता है। अब ये दोनों हाथ जी मैन कंट्रोल कर सकता है और एस्ट्रो टॉयलेट को उसी के हाथों से मारने लगता है। एस्ट्रो मजबूरी में अपना एक हाथ काट देता है, लेकिन तब तक दूसरा वाला हाथ उसे चाकू से मार देता है। इन द एंड एस्ट्रो टॉयलेट पूरा कबाड़ जैसा हो जाता है और सिर्फ एक ही हाथ के साथ सामने आता है। जी मैन हंसते हंसते एस्ट्रो के ऊपर लेजर मारता है, लेकिन उसे बचाने के लिए एक और एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है जो कि अकेले ही जी मैन को पीछे धकेल देता है, स्पीकर टाइटन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और एस्ट्रो टॉयलेट को लेकर चला जाता है। जिसके बाद यहाँ जी मैन वर्सेस टाइटंस होने वाला था, लेकिन जी मैन इतना फट्टू है कि यहाँ से भी दुम दबाकर भाग जाता है। वेल गेस, किसी को यहाँ पर एक नया हाथ मिल गया। टाइटन कैमरामैन एस्ट्रो टॉयलेट का कटा हुआ हाथ अपने हाथों पे अटैच कर लेता है, जिसके बाद वो अगली लोकेशन की तरफ उड़ जाता है और नीचे साइंटिस्ट टीवी और ह्यूज टीवी एस्ट्रो टॉयलेट का हाथ लेने आ जाते हैं। वेल, लगता है अगले एपिसोड में हमें हीरोज के पास भी एस्ट्रो टॉयलेट जैसे हाथ दिखेंगे या फिर वैसी बंदूकें। जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ कैमरामैन को एक जगह से आवाज आ रही होती है, तो जब वो कैमरामैन वहां जाकर देखता है तो वहां होता है स्पाइडर कैमरा, अभी भी जिंदा, शायद इसको बचा लिया जाएगा। जिसके बाद कैमरामैन इसे थम्स अप करके इसकी हिम्मत के लिए शाबाशी देता है। अरे जी मैन से पंगे लिए थे भाई ने। जहाँ स्टार्टिंग में ही हम मिनी टाइटन और डार्क स्पीकर मैन की मौत होते हुए देखते हैं और कैमरा वुमेन, जो कि ऑब्वियसली मिनी टाइटन की पार्टनर थी, उसे मरते हुए देखकर उदास हो जाती है। फिर एक एक करके हमें कैमरा वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाले मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जिनमें ये दोनों साथ थे, और आखिर में एक ऐसा मोमेंट जिसमें ये दोनों ही इंसान थे एंड ऑब्वियसली एक दूसरे से प्यार करते थे। जिसके बाद कैमरा वुमेन की यादों से बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि सभी हीरोज एक प्लेन में होते हैं
और अपनी डेस्टिनी पे पहुंचते ही एक एक करके कूदना शुरू करते हैं। कैमरा वुमेन उतरते ही टॉयलेट्स का सफाया शुरू कर देती है और अपने पार्टनर मिनी टाइटन की याद में उसका आइकॉनिक वेपन प्लंजर इस्तेमाल करके टॉयलेट्स की तशरीफ तोड़ती है, जिसके बाद चार पांच चुन्नू मुन्नू टॉयलेट्स को औकात दिखाने के बाद इसके सामने आता है एक बड़ा और मस्कुलर टॉयलेट जो कि कैमरा वुमेन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी साइंटिस्ट टॉयलेट वाला रोबोट लेकर टीवी वुमेन की एंट्री हो जाती है और वो उसी रोबोट से बाकी टॉयलेट्स और जी टॉयलेट से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जी टॉयलेट काफी स्ट्रांग होता है और रोबोट तोड़ देता है। कैमरा वुमेन इन टॉयलेट्स को रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन जी टॉयलेट कैमरा वुमेन को ही निशाने पे ले लेता है। तभी एंट्री होती है टाइटन स्पीकर मैन की और साथ में टाइटन कैमरा मैन और टाइटन टीवी मैन की। टीवी टाइटन कहता है, आज तो तू गया बेटे, लेकिन जी टॉयलेट कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, और टीवी टाइटन कहता है, पहले तेरी तशरीफ तोड़ी जाएगी, बाकी हम देख लेंगे। और फिर होती है इनकी लड़ाई चालू। ये तीनों एक एक करके जी टॉयलेट को पीट रहे होते हैं और जी टॉयलेट भी इनके खिलाफ काफी अच्छी फाइट पुट ऑन कर रहा था, लेकिन तभी एक वायरस टाइटन स्पीकर मैन को फिर से इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन अच्छा है इस बार यहाँ पे टाइटन टीवी मैन है जो एक घुसंड मारते ही टाइटन स्पीकर मैन का वायरस बाहर निकाल देता है, और दूसरी तरफ टाइटन कैमरा मैन और जी टॉयलेट की लड़ाई चल रही होती है। टाइटन कैमरा मैन जी टॉयलेट को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये साले कीड़े मकोड़े करेले के पकौड़े टॉयलेट टाइटन कैमरा मैन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक बॉम्बर टॉयलेट इसका एक पैर ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से जी टॉयलेट के पास एडवांटेज आ जाता है और वो टाइटन कैमरा मैन को मारने लगता है। मदद करने के लिए टाइटन स्पीकर मैन आता तो है लेकिन खुद ही पिट जाता है बेचारा। जी टॉयलेट स्पीकर की दोनों टांगे तोड़ के उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी टाइटन टीवी मैन जी टॉयलेट की लेजर तोड़ देता है, जिसके बाद टीवी टाइटन जी टॉयलेट को स्टन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हर बार की तरह कायरो जैसे अपनी जान बचा के भाग जाता है। टाइटन टीवी मैन को आता है गुस्सा और वो चीजें तोड़ फोड़ के टेलीपोर्ट हो जाता है और ये दोनों बेचारे टूटे फूटे लंगड़ाते हुए जाते हैं, जिसके बाद वापस जाते समय कैमरा वुमेन को एक आवाज आती है जहां जाने पर पहले ये थोड़े बहुत टॉयलेट्स का सफाया करती है और फिर इसे मिलते हैं ह्यूमन सर्वाइवर्स जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम देखते हैं एक न्यू टीवी मैन को जो कि कैमरा लेकर टॉयलेट्स के बेस में जाता है और हम देखते हैं किस तरह से ये पूरी सिचुएशन को बड़ी आसानी से हैंडल करता है। थोड़ी देर में हमें कुछ इंसान भी नजर आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सभी इंसानों का दिमाग स्किबिडी सिंड्रोम से सड़ चुका था, इसीलिए मजबूरन इन्हें मारना पड़ा। फिर हमारी नजर पड़ती है एक डॉक्यूमेंट पे जिसको टीवी मैन अपने बेस ले जा लेता है, लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट टीवी कैमरा देखता है वो गुस्सा होके कैमरा बंद करने को कहता है, यानी ये लोग पक्का कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी और को पता चले। खैर, दूसरी तरफ टाइटन टीवी मैन को एक खबरी का सिग्नल मिलता है जिसे देखकर टाइटन टीवी मैन कहता है, दुश्मन अभी कमजोर है, यही सही समय है उनके ऊपर हमला करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का। और ऐसी टूटी फूटी हालत होने के बावजूद भी टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बट टाइटन टीवी मैन कहता है, तुम दोनों बेस जाओगे और अपनी हालत सुधारोगे, ये लड़ाई तब तक मैं संभाल लूंगा। लेकिन तभी साइंटिस्ट टीवी आता है और कहता है कि टॉयलेट्स के लीडर को जिंदा वापस लाया जाए। टीवी टाइटन को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन साइंटिस्ट टीवी कहता है कि हमें और जानकारी चाहिए। लेकिन तभी टैबलेट में हम देखते हैं कि एस्ट्रो टॉयलेट का पूरा झुंड अलायंस के ऊपर हमला करके सभी को जान से मार रहा है, जिसके बाद वो पूरा झुंड यहाँ भी आ जाता है और हीरोज के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ टाइटन कैमरामैन को काफी चोट आ जाती है और बेचारा अपना आइकॉनिक थम्स अप करता है और बची कुची सारी जान लगाकर इन टॉयलेट्स पे हमला कर देता है, जिसके बाद टाइटन कैमरामैन काले धुएं में कहीं गायब हो जाता है। टाइटन स्पीकर मैन को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन टाइटन टीवी मैन उसे पकड़ लेता है ये कहकर कि वो दोनों को नहीं खो सकता, और टाइटन स्पीकर मैन को अपने साथ टेलीपोर्ट करने लगता है। लेकिन बाकी लोग जो यहाँ रह गए थे उनके नसीब में सिर्फ मौत थी। Yeah, it's me, yeah, it's me, yeah.
जिसके बाद एपिसोड 75 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एस्ट्रो टॉयलेट्स ने आतंक मचा के रखा है। ये लोग अलायंस और नॉर्मल टॉयलेट्स सभी को जान से मार रहे हैं। कैमरामैन लोग खुद एक बिल्डिंग के अंदर छुप के बैठे थे, लेकिन तभी इन्हें एक छोटा जगरनॉट देख लेता है और बड़ी ही चालाकी से पीछे के रास्ते इनके ऊपर हमला करने लगता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे कैमरामैन की मौत तो पक्की है, लेकिन तभी कुछ टॉयलेट्स आके कैमरामैन की मदद करने लगते हैं और साथ मिलके ये छोटे जगरनॉट को जान से मार देते हैं, जिसके बाद ये लियोन केनेडी टॉयलेट इशारे करता है कि शांत रहो और मेरे पीछे आओ। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आती है और बिल्डिंग की छत उखड़ जाती है। ऊपर होता है जगरनॉट, जो कि छोटे जगरनॉट को मरा हुआ देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बिल्डिंग का मलबा इनके ऊपर गिर जाता है। कैमरामैन को ये तीनों बाहर निकालते हैं और ये लियोन को थम्स अप करता है, लेकिन लियोन कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। वेल ऑब्वियसली इनकी दोस्ती अभी अभी हुई है तो घुलने मिलने में समय तो लगेगा ही।